तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पीछे ये है मेट्रो स्टेशन। तो कुछ ऐसा नज़ारा है रात में सी का। ये लुसेल की बिल्डिंग्स हैं ये सब। दिस इज़ अकीब किल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में घूमने आए हैं यहाँ पे, मेरे पीछे लुसेल में कदर टावर आप देख ही रहे होगे। कदर टावर नहीं मेरे भाई, मून टावर। और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था इसलिए मैं पहले आपको नहीं दिखा सका, मेट्रो वगैरह में दिखा नहीं सका, लेकिन बता तो सकता हूँ ना। तो यहाँ से हम गए सीधे पहले करमल, करमल से हम गए राजोमार के सामने अल असिजिया मेट्रो स्टेशन से। वहाँ से हमने ली ग्रीन मेट्रो, और ग्रीन मेट्रो लेके हम वहाँ से पहुँचे बशीरप स्टेशन। बशीरप स्टेशन से फिर हमने ली रेड ट्रेन और पहुँचे हम लक्तेफिया स्टेशन। लक्तेफिया स्टेशन से हमने फिर येलो ट्रेन ली और फिर पहुँचे हम मरीना प्रोमनेड स्टेशन लुसेल। तो मरीना प्रोमनेड स्टेशन है लुसेल में, तो वहाँ पे हम पहुँचे और उसके बिल्कुल सामने ही है मून टावर। और मेरे साथ मेरे दोस्त भी आए हैं, उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये है मेरे पीछे मेरे दोस्त, अपना अपना इंट्रोडक्शन दो सब यार। ये है दानियाल, उसके पीछे ज्वेल भाई, जैन, इसको तो जानते होंगे मेरी पिछली वीडियो में आया है। और ये है क्या नाम है तेरा। और मैंने नोटिस किया है कि मैं जब भी वीडियो बनाने लगता हूँ तो कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ। अभी जैसे कि ये अपने दोस्त का नाम भूल गया, इससे पहले भी एक वीडियो थी उसमें भी अपने दोस्त का नाम भूल गया था। तो फ्लो फ्लो में कुछ और बोल देता हूँ, जैसे कि मून टावर को कदर टावर और पता नहीं कुछ कुछ को क्या बोल देता हूँ। तो ये मैं नोटिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं दूर कर दूँगा, जैसे कि अभी मैं आपको एक और इस वीडियो में भी बोल दूँगा। जहेब अब्बासी, जहेब अब्बासी, तो ये सब दोस्त हैं अभी आए हैं यहाँ पे। तो पहली लोकेशन हमारी यही थी, ये मून टावर जो कि आप देख रहे हैं। मैं आपको एक जूम करके भी थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पीछे ये है मेट्रो स्टेशन, ये बिल्कुल मेरे पीछे। और जैसे ही मेट्रो स्टेशन से हम बाहर निकलते हैं यहाँ पे क्या नाम है, जैसे ये भूल गया, तो इसका भी है मरीना प्रोमनेड। तो नाम थोड़ा मुश्किल भी था इसलिए भी भूल गया, और वैसे भी थोड़ी आदत भी है भूलने की। तो इसलिए तो ये जैसे ही बाहर निकलता है तो ये है, लेकिन ये मुझे भी पता चला है कि ये है बैक साइड है मून टावर की। तो भी फ्रंट साइड पे जाते हैं तो वहाँ का भी व्यू आपको चेक करवाते हैं। तो अभी हम मून टावर की फ्रंट साइड की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते में मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने ये दीवारों पे बहुत अच्छी पेंटिंग वगैरह करी हुई है। और मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ, ये मैं यहाँ से गुजर रहा था तो नोटिस किया, जैसे ये तो ये बना हुआ है मेरे पीछे, ये खिड़कियाँ विंडो वगैरह ये बनी हुई हैं, ये हैं बिल्कुल मतलब पेंटिंग करके और शीट वगैरह लगी हुई। लेकिन ये देखो बिल्कुल इन्होंने बनाया हुआ है, ओरिजिनल बिल्कुल लकड़ियों का है, ये लकड़ी का टच भी किया जा सकता है। और इसके अंदर भी कुछ है शायद, इसके अंदर भी मतलब कमरा टाइप बना हुआ है। तो ये भी मुझे अच्छा लगा, इतना छोटा दूर और उस पर भी इतनी नफासत से इन्होंने काम किया हुआ है आर्किटेक्चर। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दो। इसके अलावा रात में यहाँ पे सीन जो है, सीन बहुत कमाल के है, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि ये बिल्कुल मैं मून टावर की फ्रंट साइड पर और यहाँ पर आ गया, तो ये कुछ ऐसा नज़र आता है मून टावर यहाँ से फ्रंट साइड से। और यहाँ पे जो है खजूर के दरख्त के इर्द गिर्द भी इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से लाइट की हुई है, जैसे कि ये है तो ये खजूर के इर्द गिर्द। और इसके अलावा ये जो कार्निश है, कार्निश का है वो भी दिखाता हूँ आपको। कार्निश का शीन भी रात में बहुत मज़े का है, जैसे कि ये देख सकते हो मेरे पीछे। तो कुछ ऐसा नज़ारा है रात में सी का, कार्निश का कुछ ऐसा नज़ारा है इस तरफ पे। और हवा आ रही है इतनी ठंडी हवा भी, और यहाँ पे बनी है तस्वीरें। और रश तो अभी जैसे कि आपको पता ही है फीफा चल रहा है, अभी तो ये कम है, अभी कितने हुए हैं तकरीबन 6 हुए हैं, 6:30। अभी तो रश बढ़ना शुरू होगा मेरे ख्याल से, अभी और काफ़ी हो जाएगा रश। तो बाकी देखते हैं, अगर वो सामने जाने होते हैं हमें तो वहाँ जा के तो देखते हैं अगर जा सकते हैं तो। आई थिंक ग्राउंड है वहाँ पे, कोई पानी के अंदर ग्राउंड। तो जैसे मैं दिखा रहा था ये आपको पीछे ग्राउंड बना हुआ है समंदर के अंदर, पानी के अंदर। ये कार्निश है असल में, किनारा है तो इतना गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी पानी के अंदर ग्राउंड है फुटबॉल का। लेकिन ये कि वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम जा रहे हैं अभी वापस।
तो ये बिल्कुल मून टावर के सामने ही ये शावर लगाए और इनसे लाइट निकल गया, तो ये भी काफ़ी दिलकश नज़ारा देते हैं। ये बच्चे देखो यहाँ हमें अंदर घूम रहे हैं पानी के अंदर, हालांकि मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, फिर भी सब वीडियो बनाने के चक्कर में अंदर जा रहे हैं। हम भी देखते हैं, ये यहाँ पे बना लिया है लड़कों ने भी, सपने बना लिया। हालांकि जैन के कपड़े भी थोड़े गीले हो गए हैं, ये मेरे पीछे है जैन के, जैन ने तो अपने कपड़े भी थोड़े गीले कर लिए, और ये बासी साहब के तो दिल ही नहीं कर रहा वीडियो ख़त्म ही ना होए, बस बनाते जाओ बनाते जाओ। यहाँ सिर्फ इसकी वीडियो अच्छी आई है, बाकी सबकी तो गुजारा थी ठीक है। मैंने नहीं बनाई क्योंकि मुझे पहले से ठंड लगी हुई है, तो मैं पानी के नज़दीक नहीं जाना चाहता हूँ। जी तो अभी यहाँ से तो जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं वैंडम मॉल की तरफ। अभी एक बंदे से पूछा है, वो बता रहा है ये मून टावर के बिल्कुल पीछे है, तो अभी देखते हैं। अभी यहाँ पे थे, यहाँ पे काफ़ी ठंड थी, तो अभी देखते हैं वैंडम मॉल जाते हैं, और भूख भी हल्की फुल्की लग रही है, हल्की फुल्की भूख लग रही है, तो वैंडम मॉल जाते हैं और वहाँ से देखते हैं कुछ खाने के लिए, तो उसके बाद बाकी से आपको चेक करवाता हूँ। और ये है मेरा भाई दानियाल, जैसा को बताया, तो इसने भी कल ना एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी वीडियो बनाने के लिए, तो अभी ये बना नहीं रहा। तो बताओ अभी बोलो, तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी इसलिए मेरा तबीयत तो मेरी भी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत पहले से ख़राब है, मैं भी बना रहा हूँ फिर, लेकिन अभी बोल ना कल जो तूने बताया था अभी ये सारा। इसने कल मुझे स्क्रिप्ट सुनाई थी यार, सीरियसली अगर उस स्क्रिप्ट पर ये बनाता वीडियो जैसे ये बता रहा था, तो मैं 100% श्योर हूँ कि पहली वीडियो इसकी वायरल जानी थी, लेकिन ये अभी बना नहीं रहा। लेकिन अभी मैं इसे सुनो थोड़ा थोड़ा, बताओ अभी क्या बताना चाह रहे हो। इसकी कमेंट्री है जो सही है, मतलब अच्छी है बहुत ज़्यादा। मुझे आए हुए 6 महीने हो गए हैं यहाँ कतर में, और मैं पहली बार आया हूँ बाहर घूमने, यानी इससे पहले तो मैं रोम में और एक बार ग्रैंड मॉल गया था, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं गया मैं, तो इसलिए जो है ना अच्छा एक्सपीरियंस है। आज पहली बार आया हूँ बाहर, तो यहाँ हम लोसेल आए, मून टावर बहुत अच्छी जगह है ये, लोसेल सिटी इनका जो है बहुत अच्छी बिल्डिंग है, यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस है। आके भाई हमारे साथ हैं, तो मज़ा आ रहा है अभी, मज़ा आ रहा है। देखा कमेंट्री, अभी ये इसने कल जो मुझे सुनाई थी उसका 1%, चलो 1% कर लो, 1% थोड़ा सा मैं भी ऐड करना चाहता हूँ कि आकिब भाई ने जो है ना मैं बहुत जो है मज़े करवाए आज, जो अभी 2-3 घंटे हुए हैं अपनी जो हमें जो है ना अकोमोडेशन से निकले हुए, तो यकीन करें कि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी हम जा रहे हैं वैंडम मॉल की तरफ, अभी असल में हमें ना पता नहीं इतना ना, जगह का पता हो ना सही तो फिर बंदा और मज़ा, अभी पता नहीं ये पूछ ही है। अभी हमने जाना है वैंडम मॉल, तो वैंडम मॉल का नहीं हमें पता, अभी ये पूछ रहे हैं बंदों से, एक दो बंदे से पूछा तो उसने बताया, अभी इस तरफ देखते हैं जाते हैं। वैसे मैं एक बार गया था पहले वैंडम मॉल, तो क्या आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी तेरी जब हम इधर से नहीं, इधर से नहीं आए ना, वो मेरा दोस्त था तो उसकी गाड़ी में हम गए थे शुरू में, जब हम नए नए कतर में आए थे, मतलब 7-8 महीने पहले। हम तो हमें से जो ये जो है ये तो मेरे ख्याल में से अभी कोई भी नहीं गया, ये ज़ुहेब गया है, हम तो ये तो हमारा तो फिर भी नया एक्सपीरियंस है, तो अभी देखते हैं, पहले तो ढूंढते हैं ढूंढ के फिर बताते हैं, देखते हैं कंस्ट्रक्शन भी दिखाते हैं और देखते हैं कि कैसा है या क्या सीन है। उसके अलावा मैं आपको और भी दिखाता हूँ, ये लोसेल की बिल्डिंग्स हैं, ये सब ये बिल्डिंग्स हैं, और इनमें ये सबसे फेमस मतलब है तो सभी सही, लेकिन ये एक बिल्डिंग है जैसे कि आपको नज़र आई, ये क्यूब टाइप, ऐसे क्यूब टाइप जैसे वो गेम खेलते हैं ना बचपन में हम, तो बिल्कुल उस टाइप की बनी हुई है। उसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप को भी तकरीबन 2 ही दिन बस बाकी रह गए हैं। तो भाई मौसम अभी थोड़ा ठंडा हो गया, और मुझे तो पहले से ठंड लगी हुई थी, तो अभी काफ़ी लग रही थी, तो मेरे बैग में पड़ी हुई थी शर्ट, तो मैंने वो निकाल के डाल लिया कि चलो थोड़ा ठंड से बच जाऊंगा, तो अभी देखते हैं। और वैंडम मॉल भी पता चल गया हमें, ये सामने हमारे बिल्कुल, तो फाइनली यार वहाँ से टावर से मून टावर से ये वैंडम मॉल है, यहाँ पे हम पहुँच गए। तो फाइनली भाई बहुत देर चलने के बाद जी हम पहुँच गए हैं वैंडम मॉल के बिल्कुल सामने, अभी इंटर होंगे यहाँ से, तो आपको दिखाता हूँ, बाकी आपको यहाँ से इसका बाहर का लुक भी चेक करवा देता हूँ। ये कतर का बहुत फेमस माल है, मतलब जितने भी माल हैं उन सब का ये मतलब सबसे ज़्यादा जो फेमस है यही है वैंडम मॉल, वैंडम प्लेस। तो बाकी देखते हैं अंदर जाके, मेरी भी पहली दफ़ा ही है, मैं भी पहली दफ़ा हुई, तो बाकी दिखाता हूँ और बाहर से भी एक आपको व्यू चेक करवा देता हूँ। इंट्रेंस
गेट नंबर 6 है तो ये बहुत बड़ा यार। तो यार जितना ये बाहर से बड़ा नज़र आ रहा था उतना ही बहुत खुला और बहुत बड़ा है अंदर से। तो मेरी तबीयत भी ख़राब है तो मुझे नहीं लगता मैं आज एक्सप्लोर कर पाऊँगा इसे पूरा। लेकिन मेन एज किसका नज़ारा है मेन का ना कुछ तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हम इसके ग्राउंड फ्लोर पे सबसे जो सेंटर में जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ये इसका नज़ारा और ये जो बिल्डिंग है बहुत ही खूबसूरत है और ये अपनी बिल्डिंग की वजह से ही खूबसूरत बिल्डिंग की खूबसूरती की वजह से ही बहुत ज़्यादा फेमस है कतर में। तो अभी सुना है कि यहाँ पे वाटरफॉल वगैरह भी कुछ होगा फंक्शन वगैरह तो वो भी देखते हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा सीन है जैसे कि बिल्डिंग वगैरह देख रहे हो आप, ऐसा लगता है किला टाइप जैसे कोई पुराना किला है। ये भी मैं आया हूँ सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे तो कुछ ऐसा नज़ारा है। बाकी नीचे देख सकते हो ये कितने हैं, 4 फ्लोर पे ये है लेकिन अभी सारे तो घूम नहीं सकता, ये बहुत बड़ा है जैसे कि आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो यहाँ पे आए हैं यार वैंडम मॉल में, लेकिन ये वैंडम मॉल बहुत बड़ा है, ठीक है बहुत अच्छा है लेकिन इसमें इतना नहीं है जितना विलाजो मॉल में होता है ना रश वगैरह, वो उतना नहीं है। वैसे तो फीफा को 2 दिन रह गए थे तो हमने सोचा था बहुत रश वगैरह होगा बहुत होगा लेकिन वो नहीं ले। तो अभी बस मेरी तो पहले भी तबीयत ख़राब थी तो मैं तो यही घर का ही कहूँगा कि घर जो है अभी, बाकी दूसरे लड़के भी आ जाएंगे ऊपर हैं लास्ट फ्लोर में, जैसे आते हैं नीचे तो देखते हैं बैठ सकते हैं। तो जाते जाते हमें ये कुछ व्यू मिला है, यहाँ पे है इब्नुल हैशम और सलाहुद्दीन अयूबी का इन्होंने स्ट्रक्चर स्टैचू बना कर रखा हुआ है तो वो भी आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये हैं सलाहुद्दीन अयूबी का ये स्टैचू बनाया हुआ है, ये है अब्दुल हैशम का ये स्टैचू बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा और काफ़ी फासिल से आया तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। और बाकी ये है कुछ व्यू इसका, अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पर हैं अभी, अब जाएंगे हम। ये कुछ व्यू है, अच्छा है बहुत अच्छा है लेकिन मतलब इतना रश नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया था। बाकी ये लड़के लोग बना रहे हैं तस्वीरें तो इतनी बनी है कि बस छोड़ दो, मेमोरी फुल हो गई है लड़कों के मोबाइल की। बस आज यही अच्छा हुआ कि जैसे निकले मेट्रो स्टेशन मिल गया क्योंकि इतना थक गए थे, बाकी और तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था कहीं। तो अभी बस जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ, मेट्रो स्टेशन में बैठ के तो चलते हैं बस। सही है, एक और भी आ गया। तो फाइनली यार हम गैंडमाल में आ गए हैं। आज तो बहुत रश था और तबीयत भी ख़राब थी तो इस वजह से वो मेट्रो वगैरह की वीडियो नहीं बना सका। बाकी ये कि अभी टाइम तकरीबन हो रहा है 10:30 हो गया यहाँ पे, तो अभी खाना खाएंगे यहाँ से और खाना खा के फिर जाएंगे अपनी एकोमोडेशन में रूम में। अभी सबकी वैसे थके हुए हैं वैसे, हाँ कैसी हालत है जिंदगी, मज़ा है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। आकिब भाई ने हमें आज बहुत इंजॉय करवाया है और बहुत सही है, मज़ा आया है लेकिन तबीयत की वजह से थोड़ा वो थकन शकन हो गई थी पहली दफ़ा थी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और मज़े करेंगे। तो अभी ऑर्डर हो गया यार, एक पार्टी भी ऑर्डर की है, सब होटल में है अभी हम, तो उससे थोड़ा टाइम लगेगा तब तक वेट करो पानी। तो यहाँ पे हमारा सलाद और सालन आ गया भाई, यहाँ पे आ गई अपनी क्या है बारबेक्यू, सॉरी मैं बोलने लगा था बिरयानी बारबेक्यू। अभी रोटी आ जाए बस तो फिर करते हैं शुरू, ऐसे फ्राइज तो खा ही सकते हैं
दिखने में तो अच्छी लग रही है। तो ये आ गई अपनी रोटी भी, और अभी आपसे मिलते हैं खाने के बाद, क्योंकि खाना आ जाए और फिर वीडियो बनाए। एक कहाँ का रोला भाई, पहले खाना बाद में सब कुछ। तो मैंने तो खा लिया, लेकिन ये इन सब का ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई। बस कर दो, अभी कितना खाओगे ये देखो, ये छोड़ नहीं रहे हड्डियाँ। इसका पेट चेक करो ये। तो अभी खाना वाना खा लिया और आज की ये थकावट अभी दूर हो गई है तकरीबन, अभी रिफ्रेश हो चुके हैं। आप ठीक अभी कह रहे थे तो इसके ओपेसिटी, हाँ अभी कोल्ड ड्रिंक पी लिया ना, तो अभी ठीक है। अभी यहाँ से जाएंगे, अभी हम ग्रैंडर में हैं तो यहाँ से जाएंगे अब सीधा अपने रूम में। तो आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। कैसे आते हैं, क्या होता है यार वो जो आते हैं, अभी नाम ही भूल गया मुझे, क्या क्या वो, जब एक बंदा किसी चीज़ को एकदम से देख के तो जो आते हैं एक्सप्रेशन, हाँ।